मूवी जानते हो? मूवी मूवी ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मूवी जानते हो? मूवी से भी अच्छा बस अभी जाऊंगा देखूंगा कितने बजे, और अभी 9 बजे के आसपास रहती है कोई। कहाँ से पकड़े? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे हो गए? ये देखो हेयर स्टाइल न्यू कट आया हूँ कलीगल। आज जाने का था ना, तो देखो आज ना मैं लीड्स में रहता हूँ, और लीड्स से ना 2 बीच की लोकेशन है, स्कारब्रो और विटबी, ठीक है। ये दोनों आजू बाजू ही है, बस जैसे होता है ना कि यहाँ से लीड से यॉर्क क्रॉस करने के बाद ना 2 डाइवर्जन आते हैं, तो दोनों के एंड में दोनों बीच हैं, ठीक है। और वो एक ही जैसे तट होता है ना, उसी का है, जैसे गंगा है तो एक तरफ है छोर, एक दूसरी तरफ भी छोर है ना, बस वैसी वाला सीन है, ठीक है। तो मैं बोला कि चलो यार, मेरे को पेड हॉलीडे मिली है। शर्ट कैसी लग रही है? टी शर्ट अच्छी लग रही है, दिखाता हूँ, पूरा दिखाता हूँ। वो साइज़ है ये अपना प्राइमार्क से लिया हूँ मैं। हाँ, तो आज मैं निकल गया हूँ, तो क्या हुआ कि कल मेरे फ्रेंड्स बोले, कल मैं निकल गया था, ठीक है। कल की मैं इंट्रो दिखाऊंगा, अभी डाल दिया था मैं पहले बोले। हेलो गाइस, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। मेरा भी दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं निकला हूँ। आज मैं जा रहा हूँ या तो स्कारब्रो या तो विटबी जा रहा हूँ। तो विटबी लीड से ना आप ये कोस्ट लाइन करके एक तो बस होती है, वो 2 या 2.5 पाउंड या 3 पाउंड लेती है, आपको पहुँचा देती है। हाँ, तो अब जब आ गए तो तो कल मैं नहीं गया, मैं कह रहा एकदम यो वीडियो बना के बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं गया कल, क्योंकि मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया, तो वो लोग बोल रहे कि ना कल मत जा, एक दिन कल चलते हैं, मतलब आज मत जा कल चलेंगे, क्योंकि कल हम भी आ जाएंगे। फिर बाद में वो लोग डिच कर गए कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा है, हम लोग का जो फलाना ठिकाना जो भी बोल रहे हैं, फालतू लोग हैं, छोड़ो। तो अब बोलो नहीं आए, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो लोग बोल रहे कि थर्सडे चलेंगे, तो मैं बोला ठीक है थर्सडे भी चल लेंगे, लेकिन आज तो मैं हो के आ रहा हूँ, क्योंकि मौसम मस्त है, कपड़े तैयार हैं। मेरे को रात को 3 बजे नींद नहीं आ रही थी, पता है 3 बजे उठा, मैं बोला अरे यार 1 घंटा और सोना पड़ेगा, तब जाके तैयार होना चालू करूँगा। तो जैसे तैसे 5 बजे का वेट किया मैं, अब रेडी हो के फुल दाल चावल आलू की सब्जी और दूध, 1 लीटर करो 2 पाइंट, आधा लीटर समझ लो, अच्छे से पी के एकदम हो और टॉप करके एकदम पेट गले तक। अब जा रहा हूँ मैं घूमने, और आज मैं पहना हूँ पूरा ऑल ब्लैक, जो दिखाता हूँ ना, बड़ा सही लग रहा हूँ मैं आज। कल जो पहना था वो भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं आधे रास्ते में पहुँचा, मेरे को लगा ये कपड़ा कोई पहन के जा सकता है, ये तो मैं खुद ना पहनूँ, लेकिन पहना हुआ था, लेकिन ठीक है। और ठीक है, तो प्लान ऐसा है कि अपन वहाँ जाएंगे, वहाँ पे 4-5 चीज़ें कैसल वैसल हैं, ठीक है, और इंग्लैंड में हर कोई दूसरी जगह पे कैसल ही होता है, ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे के डिज़ाइन का वो देख लेंगे, और बीच देख लेंगे, बीच में ऐसा कुछ दिखता भी है जो नहीं दिखना चाहिए क्या, ये भी देख लेंगे और सब चीज़ दिखाता हूँ मैं, क्योंकि आज मैं अकेला ही हूँ, तो मैं और आप ही हैं घूमने वाले, तो कोशिश करूँगा कि अच्छे से बताऊँ हर एक चीज़, ऐसे काम चोरी ना करूँ, ठीक है, और एडिट करके डाल दूँ, क्योंकि लंदन का ब्लॉग आज तक नहीं आया, और मेरे बर्थडे का ब्लॉग अभी तक नहीं आया, बनाता सब हूँ मैं, सब बना पड़ा हुआ है मैं, आलस बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन करता हूँ क्या करूँ। तो हाँ, जा रहे हैं, और चलो दिखाता हूँ मैं। तो अभी बस स्टेशन पहुँचना 8 बजे रहा, 9 बजे से वहाँ से बस निकलती है एक ठो, तो वो डायरेक्ट जाती है, तो कोशिश करेंगे कि उसमें चढ़ जाएँ, और चलो बस में कैसे टिकट लेनी है। और हाँ, यहाँ से वहाँ की ना सिर्फ 2 पाउंड है, मात्र 2 पाउंड में आप पहुँच जाते हो, तो 2 पाउंड बहुत सही डील है, मतलब 2 पाउंड क्या है यार, यहाँ पे आने के बाद ना 2 पाउंड आप ऐसे खर्च कर देते हो कि यार 2 यार रेडबुल दे दो, 2 यार एक पेप्सी का दे दो, तो वो 1.5 पाउंड की रह जाती है, तो 2 पाउंड कुछ भी नहीं, इतने अच्छे घूमने जाने के लिए। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो तो और सही है, मस्त बीच में नहा वहाओ। तो मैं जा रहा हूँ, सब दिखाता हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ, सी अप इन द बस स्टेशन। तो कोई गब मैं गया हूँ, बस में बैठ गया हूँ, क्यों मैंने दिखाया, बस स्टेशन हर कोई देख चुका है,
मेरे बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो मैं और कितने बार दिखाऊँ? तो सोचा कि वो स्किप करते हैं। और मैं गया तो बस खड़ी हुई थी और 2-3 मिनट बचा था निकलने के लिए, तो मैं बोला कि चलो बैठ जाते हैं। और सामने वाली जो होती थी एकदम स्क्रीन के सामने, वो ऑलरेडी ओके, वो लेने का बड़ा मन था, बोलते कि यार व्यू बहुत अच्छा है, पर मैं इसलिए जस्ट पीछे वाले में बैठा हूँ, जैसे ही वो लोग उठ के जाएंगे ना फटाक से भाग के आ गया जाए मैं। और मैं गया उतर, नो आइडिया किस तरफ जाना होता है, क्या करना होता है, फोन है, मैप है, देखते। तो यहाँ 2-3 चीज़ें करने के लिए, एक तो यहाँ का ना जो म्यूज़ियम है वो एक्वेरियम वाला वो वाला है वो है, और एक एक्वेरियम भी है, एक म्यूज़ियम है और एक एक्वेरियम है। और उसके अलावा बीच है, तो बीच के 2 क्लिप्स हैं साउथ और नॉर्थ, तो वहाँ जा सकते हैं। और सिटी तो अच्छी दिख रही है, पर ना मोस्टली यहाँ पे ना जो मेरे को दिख रहे हैं वो एजेड लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनके पीछे पीछे चल दूँगा तब भी अच्छी जगह पहुँच जाऊँगा मैं, तो चलो चलता हूँ मैं। और ये ड्रैगन बॉल जी दिखाता हूँ पूरा बकायदा, OOTD दिखाता हूँ बाद में, ठीक है चलो। हाँ तो 2 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे से बैठा, बहुत सुसु आ गई थी, तो कोई भी कोस्टा खोजा मैं और उसके अंदर घुस गया। अब यहाँ से लेंगे एक कॉफ़ी, और ये कुछ दिख रहा है जो पूरा फुल मिरर मिलेगा तो दिखाता हूँ मैं। वैसे ये प्राइमर से लिया था, अच्छा लग रहा है ना, ओवर साइज टी शर्ट है, ये बैक के कारण थोड़ा सुखड़ा सुखड़ा लग रहा है, तो दिखेगा। और चलो अभी चलते हैं, पहले ना मैं देख रहा हूँ मतलब भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना फिश एंड चिप्स यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो ढूंढते हैं कि कहाँ पे सबसे अच्छा है वहाँ पे खाएंगे, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। उसके बाद बीच में चलेंगे, या पहले बीच भी जा सकते हैं, भरोसा नहीं, चलो। हमें जाना है उस तरफ, क्योंकि उस तरफ दिख रहा है समुंदर, तो चलो देखते हैं। मेरे को रास्ता वास्ता नहीं पता, मूवी जानते हो? मूवी ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मूवी जानते हो? मूवी से भी अच्छा, और तू लोग बोलोगे क्या आइकॉनिक जगह है यार, क्या जगह दिखा दिया तू, ऐसी भी कोई जगह वैसा दिख रहा है, दिखाऊं? वो मानोगे नहीं कि दिखाता हूँ, देखो। तो अभी यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, वहाँ से चले जाओ ज़िगज़ैग करके जाओ, नीचे वो बीच है वहीं पे लोग सब खाते हैं, और वहीं पे हम लोग को मिलेगा हमारा फ़िश एंड चिप्स। और ये ना स्कारब्रो का ना एक तो वो जो बोलता है ना मेन स्ट्रीट है, ये वहाँ से जाना होता है तो उसकी जो सामने आता है आपको, अगर बस वहीं उतारती है। चलते नीचे अपन भी, और मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे आप स्कारब्रो में आ रहे हो ना, तो ना बस वाले से बात करते रहना, बस वाले उसमें जो बैठे रहते हैं ना ये लोग यहाँ का डेली है। मेरे को बता रहे थे कि अंकल जो मैं जिनके साथ में बस में आया, कि हम लोग यहाँ जैसे जब भी कोई हॉलीडे होता था ऐसे ही आ जाते हैं हंसी मजाक में, और मेरे को समझ आ रहा है क्यों हंसी मजाक में आ जाते हैं, 2 पाउंड की टिकट है, 200 रुपये में बकायदा ऐसी जगह आने मिल रही है, मस्त बीच में नहा रहे लोग, जो करना है करो, नोबडी केयर्स मैन, कितनी सुंदर जगह है। मैं थंबनेल ले रहा था, तो एक और थंबनेल के लिए चीयर्स, ये सिर्फ थंबनेल के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे होगे तो ये वीडियो ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं है, मेरे को सिर्फ आ रहा था, मैं निकल गया, बाय चांस अच्छी लोकेशन निकल गई है तो मैं फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, सब देख के हंस रहे हैं, पर हंसने वाले तो हंसते रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम इन्जॉय करना है, हम इन्जॉय कर रहे हैं, आई डोंट, नहीं बोल नहीं सकते, लेकिन ठीक है। तो ऐसा नीचे आते आते मैं 2-3 क्लिकबेट लिया हूँ, ठीक है, तो मस्त इस बार एडिट करके एक तो तगड़ा सा क्लिक बिट बना के डाल दूंगा कि ये क्या देख लिया मैंने, ठीक है, तो शायद व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। उसके अलावा व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता, पहली बार मैं जो लाइफ जी रहा हूँ बस उसके बाद डालता हूँ। ये मेरे अभी बस प्यार के नीचे आ ही गया था मेरे, कुत्ता संभालो भाई मेरी गलती रही है उनको ही पता है उनके कुत्ते की गलती थी, तो वो मेरे कुछ बोली नहीं, बाकी यहाँ पे लोग अच्छे चिल हैं यार, कोई गुस्सा नहीं करता है क्योंकि कुत्ते को कोई मार दिया तो, मतलब
इंटेंशनली, बोलो वो मेरे पैर के पास आ गया था तो व्हाट कैन आई डू। हाँ तो ये देखो मैं बीच के पास आ गया ऊपर, वहाँ पे खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा था अभी, और उसके बाद ये बीच, बीच के पास आ गया हूँ। ये मेन स्ट्रीट है बीच वाली, देखो वहाँ से आओ और ये पूरा ऊपर चला गया था मैं। ये पूरा है स्कारबो का बीच। तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन टाइप बीच में क्रॉस करेंगे हम, हमें आदत है, हम ऐसा करते आ रहे हैं, हमें नहीं समझ आता है, लेकिन ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा कोई ऐसे होता है ना कि सब टॉवल ला के लेटे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ भी ऐसा कुछ ज़्यादा सीन नहीं है। बाकी मैं अगर कपड़े लाता या ज़्यादा दोस्तों के साथ आता तो शायद बीच में जाके नहाता, कुछ लोग नहा रहे हैं, मैं अपने जूते गंदा नहीं करना चाहता यार, पर मैं करूँगा क्योंकि मैं घूमने आया हूँ। घर अगर जूते गंदे नहीं करने थे तो घर में बैठना था मेरे को, है ना। हाँ सही बोल रहे हो। तो मैं सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया, अब पानी के पास जा रहा हूँ मैं। गंदे तो होंगे पर गीले नहीं करेंगे, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। और ये देख मैं दिखाऊं ज़ूम करके भी, तो कोई ऐसे नहा नहीं रहा है, कोई भी पानी के अंदर नहीं है, जो भी है सब पानी के बाहर ही है। थोड़ा बहुत शोर में ऐसे थोड़ा बहुत खेल लिए, देखो कहीं भी नहीं। वहाँ एक है जो थोड़ा सा अंदर है और एक थोड़े थोड़े वहाँ पे है घुटने तक में, उसके अलावा सब ऐसे ही हैं। तो अगर आप स्कारब्रो नहाने के उससे आ रहे हो तो नहाने का प्लान से आ रहे हो तो नहाने का प्लान तो ड्रॉप कर देना, क्योंकि यहाँ नहाना मुश्किल है। ठीक है, वो जो दिख रहा है बोट वाले छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो पूरा बोट वाला एरिया है, वहाँ भी जाएंगे अभी तो वहाँ पे होगी बोटिंग। चलो चलते हैं। और पीछे वो दो लड़कियाँ आ रही हैं, मैं नहीं जानता कौन है, ऊपर से पीछे पीछे आ रही हैं, मजाक कर रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। लेकिन ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ना कसिनो वसिनो भी है, तो अगर किसी को कसिनो वसिनो ट्राई करना हो तो आ सकता है बिल्कुल। और अब मेरा बैग के कारण मेरा हाथ दुखने लगा, तो मैं ये वाले हाथ में उठा लिया हूँ, मान रहा हूँ बहुत अंधेरा आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो आ रहा है वो आ रहा है भाई। हाँ तो इसके बाद मैं जा रहा हूँ वो पिशन चिप्स के बारे में पता करने, पूछने यहाँ के लोगों से, और अगर मुझे और कुछ दिखेगा तो फिर वो भाई। देसी भाई ने एक और चीज़ पूछ ली, ये जो डेस्क चेयर नहीं है, जो ये ब्लू ब्लू चेयर होती है ना यहाँ पे, ये भी भाड़े में मिलती है इंडिया में, तो ऐसी बिछा के रखते हैं लोग, जो जहाँ जिनके पास भी आप जाओगे खाने, तो यहाँ पे इसके लिए भी चार्जेस है 4 pounds, 3 pounds पैसे और 1 pound डिपॉजिट, जो आपको वापस मिल जाएगा। और मैं पूछा यहाँ पे सबसे अच्छा फिश एंड चिप्स कहाँ मिलता है, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि दिख रहा ब्लू कलर का द फिश पैन, वो उनका अच्छा कहना है फिश एंड चिप्स वहाँ मिलता है। तो मैं जा रहा हूँ ट्राई करने, मैं आपको बताऊँगा, और क्योंकि मुझे भूख लगी है, सुबह में पकाया था दाल चावल और क्या बोलते हैं आलू की सब्ज़ी बनाए थे हम लोग, तो वो खा के आया हूँ। फिर रास्ते में आज चिप्स भी खाया हुआ है, मतलब घूमने निकलो और पैसा इसको लगता है मेरे शरीर को याद नहीं है कि पापा के साथ नहीं घूम रहे कि बस खर्चा कराए चलो खुद के पैसे जाएंगे अब, पर आदत है घूमे तो घूम, बाहर निकले तो फिर कंजूसी नहीं। अभी अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे रहता ना मैं, घर जाके बनाएंगे क्या, कौन खा बाहर खाएगा, लेकिन आज तो आया हूँ तो खा के जाऊँगा, घूम के तो जाऊँगा। तो चलो, और यहाँ पे ना कोई कैसल भी है, वहाँ भी लोग जाते हैं, वहाँ भी लोग इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे ये देखो कैसीनो, शायद उल्टा दिख रहा है कुछ नहीं, बस ये छोटा सा कैसीनो है, कैसीनो के नाम पे आर्केड है ये, हर दूसरी दुकान कैसीनो के नाम से चल रही है पता नहीं क्यों। और ये आ गया मैं जहाँ मेरे को आना था, फिश एंड चिप्स, तो चलो ट्राई करते हैं। So my first time experience with fish and chips, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्या हुआ कि मैं जब वीडियो बनाना चालू किया ना तो उनको कहना कि मैं वीडियो में क्यों आ रही हूँ तुम्हारे, तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो मैं
अपना मोमेंट कैप्चर करा था फिश एंड चिप्स का, क्योंकि मैं कभी खाया नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप मेरा नहीं ले सकते, तो मैं बोला ओके मैं अपना ले सकता हूँ। तो बोलती नहीं आप अपना भी नहीं ले सकते क्योंकि आप मेरे शॉप में खड़े हो और मैं आपको अलाउ नहीं कर रही वीडियो बनाने के लिए। तो मैं बोला कि ठीक है मैडम, जैसा आप बोलो, आपका शॉप आपकी मर्ज़ी। अब मुझे पता चला दो, फिर मैंने एक और पर्सन से पूछा, मैं वहाँ से निकल गया। एक और पर्सन ने बोला कि नहीं वो अच्छा है, वहाँ पर ट्राई कर सकते हो आप। तो वो मेरे उस समय मना कर दिया, तो मेरा थोड़ा मूड डाउन हो गया। तो मैं बोला कि शिट, तो फिर तो वहीं जाना पड़ेगा। तो फिर मैं गया, फिर मैं उससे ही पूछा कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, कौन सा मुझे ट्राई करना चाहिए आप बताओ। तो वो फिर हंसते हंसते, फिर हंसी मजाक में अपने पापा को बुला के लाई। मैं बोला अरे चिप्स ट्राई करने के लिए पापा को बुला के ला रही है? तो फिर वो सामने बैठा उसकी दुकान के, तो तो उसके पापा से भी पूछी, सबसे पूछी, पूरे स्टाफ से पूछी कि फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले को क्या करना चाहिए। तो उसके बाद उसने फिर ये वाला दिया है मुझे, नेम इज समथिंग स्टार्ट्स विद एच, आई डोंट नो द नेम। इफ यू आर ट्राइंग द फर्स्ट टाइम देन यू शुड गो विद दैट, द हेड शेफ आल्सो रिकमेंडेड दिस, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग इट। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस अपने इंडिया का ज़्यादा अच्छा है रे, खाने वाना नहीं यहाँ पे आके। मतलब ऐसे लगता है कुछ नहीं, मछली को ना वो अपना जो पकौड़े वाले होता है ना मसाला, ब्रेड पकौड़ा वाला, उसमें तल के दे दिए और क्रिस्प हो गया ये, बस और कुछ नहीं। दिखाता हूँ मैं, ये देखो जैसे कि ना इसमें ना कांटे वाटे कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब ये देखो, ये चिकन KFC वाला जो नहीं होता है उसमें ये चिकन का मतलब चिकन बोल रहा हूँ मछली है, और मैं केचप ले लिया था और उसके साथ खा रहा हूँ। तो आप जो खाते हो ना इंडिया में वो 10 गुना अच्छा है इससे। मतलब ये सिर्फ एक ना उबली हुई मछली जिसको तल के दे दिया, मैं थोड़ा गलत आ गया, वहाँ से मैं अंदर घुस गया था। वहाँ सीधा सीधा जाओगे ना तो लाइट हाउस आता है, मैं ये बोर्ड देख के थोड़ा ज़्यादा ही बहक गया और उल्टी तरफ आ गया। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ। देखो अगर बिना प्लान किए आऊँगा तो ऐसे तो होगा मेरे साथ, लेकिन ठीक है यार, यही तो एडवेंचर है। तो मैं ज़्यादा इरिटेट नहीं होने की कोशिश करूँगा। ये वाली बोट हो गई रेडी, अब इसमें मतलब वो ये हवा के हिसाब से तो चल नहीं रही है। नीचे लगा है मोटर और ये हो गई चालू। फिर हमारे कैप्टन एकदम स्वैग वाले हैं और निकल पड़े हैं अपने रास्ते में। कि अच्छा लग रहा है नहीं? देखो बोट में बैठना है तो बैठने के लिए आ सकते हो, पर ना ये सील वील कुछ नहीं दिखने वाली, डॉल्फिन नहीं दिखने वाली, ये लोग बस क्लेम करते हैं ताकि आप यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ उम्मीद लेके नहीं जाना है इस बोट में। अगर आपको शौक है और आप मम्मी के साथ आ रहे हो तो घुमाने के लिए ला सकते हो स्कार्बो, तब ये सब एक्टिविटी करो। पर लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ों से, लड़कों को सिर्फ घूमना है, कैसीनो खेलना है और उनको भी देखना है, जो मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि फैमिली वीडियो है मेरा, और एक्सप्लोर करना है। तो और हाँ एक चीज़ और, अगर आप कोस्ट लाइनर से आ रहे हो तो उसकी ना अलग अलग लोकेशन होती है जहाँ वो उतारती है, तो मेक श्योर करो कि आप सही जगह उतर रहे हो, क्योंकि वो कहीं भी उतार सकती है। ऐसे कोई मतलब पर्टिकुलर वो नहीं है आपका। तो जैसे मैं ना, मेरा जो स्टॉप था वो 2 स्टॉप आगे तक जा रही थी बस, वो अपलामा वाटर पार्क था, वहाँ ले जा रही थी मेरे को, तो वहाँ जाना ही नहीं था मेरे को। तो इसलिए मैं अवेयर था करके मैं उतर गया जल्दी। तो जब होता है ना कि जब एक साथ भीड़ उतरने लगे, मतलब बीच आसपास से उतर जाओ, थोड़ा सा टिप। बाकी अगर आप स्मार्ट हो तो आप एनालाइज कर लोगे सिचुएशन कि हाँ सही जगह उतरने का आ गया। तो बना के भी घुमाते बच्चे को, ये देखो ये आंटी कुत्ता घुमा रही है, वो बच्चा घुमा रहा है। अभी ये भी बहुत कॉमन है कि बच्चों के पीछे ऐसे लगा रहता है और वैसे ही घुमाते रहते बच्चे को, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और हाँ ना GS 1250 Royal Enfield Triumph कावासाकी निंजा। वो भी राइडर होते हैं वो, तो यार हर जगह की क्लास होता ही उनमें। तो बस यहाँ पे वो लोग भी आए हुए हैं, मतलब आते ही रहते हैं। तो अभी साइड से कुछ देर पहले यही लोग निकले थे,
तब मैं इनका दिखा नहीं पाया था, बस में था तो बस में एंगल भी ढंग से नहीं बना था, और मेरे को नहीं पता था कि ये लोग भी यहीं आके रुकेंगे। बस अभी देख दिख गया तो मैं बस ले लेता हूँ ब्लॉग के अंदर। यार मेरे को ना सही बता रहा हूँ, जा रहे हैं ना वहाँ तक, उसके ना लास्ट में डिसअपॉइंट होके ही आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जो बैठे हैं उनका व्यू क्या होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना वो जो वहाँ पे जो खड़े हैं ना उनके पास जाता हूँ, तो देखते हैं वहाँ पे कैसे जाते हैं। एक सिंगल हिसाब है, अगर वो जा सकते हैं तो अपन भी जा सकते हैं, बस पता करना है कैसे जाना है। चलो पता करते हैं और चलो चलो जल्दी चलो, बहुत सारी जगह घूमने के लिए। मेरे को लगा नहीं था यार इतना सारी जगह होगी यहाँ पे, और मेरे को लगा था अकेले बोर हो जाऊँगा मैं, टू बी ऑनेस्ट, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। चलो ये देखो यहाँ पे ये सब जैसे जैसे होते हैं ना डेकोरेशन के लिए, जिसको भी जो लेना है वो ले सकता है। तो यहाँ पे ऐसे स्टोर भी है, तो इनकेस अगर किसी को प्लान प्रॉपर ऑथेंटिक साउंड है ना, जो यहाँ बजना चाहिए वही बज रहा है, सुंदर है ना, देख लेना जहाँ पे जो आ रहा है अगर किसी का मन है तो ले सकता है। और हाँ तो याद है वो बोर्ड दिखा रहा था जो स्टार्टिंग में थी, वो देखो यहाँ ले जाके रख देती है, आप फोटो वोटो खिंचाओ, और उसके बाद कुछ नहीं खा पाया था वो, देखो पुलिस भगाते बहुत तेज़ी से निकला है और उसके पीछे पीछे भाग रही है पुलिस, बाकी तो थैंक यू। तो वो लेडी मेरे लिए साइड दे रही थी और वो जा नहीं रही थी, क्योंकि उनको दिखा कि मैं फ़ोन में उठा के सिर्फ ब्लॉगिंग करते हुए एक ऐप भर के चल रहा हूँ। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब जा रहे हैं हम लोग नॉर्थ वे में, और वो रेलवे और दूसरा वाला एरिया दिखेंगे, मैं नाम बोल जो लिख के दिए वो, और उसके बाद देखते वापस बस में बैठ के वापस भी जाना है, और मेरे पास 3-3.5 घंटे का ही मार्जिन बचा है अब, तो होप करता हूँ कि 3.5 घंटे में पूरा एरिया कवर कर लूँ मैं। और स्पीड बोटिंग भी करनी थी जो कि वो चल रही है, पर अभी देखते हैं टाइमिंग बनता है तो कहूँगा। और हाँ अभी टाइम है मेरा OOTD दिखाने का, तो वो दिखाता हूँ। हाँ तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये मेरे शूज़ हैं, और तो गाइस अभी मैं एक्चुअली मैं बादल होता है ना बादल, उसके आसपास घूम रहा हूँ, इतनी एल्टीट्यूड में हूँ मैं कि बादल पूरे घिरे हुए हैं हमें। और ये देखो वो है नॉर्थ बे, और वो देखो ना वो टेंट के मतलब मस्त जो भी यहाँ रह रहा है कितना सही रह रहा है, नहीं टेंट वेंट लगा हुआ है प्रॉपर, और मौसम अचानक से धूप से एकदम से वो वाला हो गया है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, घूमने में और मज़ा आएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे भी जो भी चीज़ें देखते लायक है सब जगह दिखाऊंगा बस, ठीक है। देख रहे हो लोनावला आ गया हूँ मैं, ऐसा है बीच या खाली कोई भी नहीं है, पर एक्चुअली मैं लोग दिखाऊं यहाँ पे ना सर्फिंग कर रहे हैं, तो जो भी सर्फिंग का दिख रहा है यहाँ पे ना एक्चुअली मैं लोग सर्फिंग कर रहे हैं प्रॉपर सर्फ, जिसको भी अच्छा लगता है सर्फिंग करना वो आ सकता है एंजॉय कर सकता है। हेलो हाय यार, हाँ एक शख्स को तो मिलाना भूल ही गया मैं, नॉर्थ बे का रखवाला, ये बहुत बड़े एक्चुअली, मैं के यहाँ तक फिर आ रहा हूँ, छोटा पड़ गया थोड़ा सा, मैं थोड़े से सैंड लग रहे, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, तो देखता हूँ किसी को बोलता है फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ मैं। बड़े वाले अंकल से बाय बाय बोलते मैं आ गया यहाँ पे, मतलब नॉर्थ बे के थोड़ा सा आगे तरफ में, और यहाँ पे लोग कुछ कर रहे हैं, तो देखो छोटी छोटी फिश होती है ना वो पकड़ने को क्या मज़ा आ रहा है, पर वो एक्चुअली में लोग बहुत सारे लोग पकड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा उनको क्या मिल रहा है, पर बकायदा रॉड वॉड लेके सब एकदम फुल फैमिली पैकअप में आई है। हे यू हाउ आर यू, हाँ तो गाइस जिस बोल रहा था ना जहाँ पे मेरे को जाना चाहिए और बोट राइड करूँगा और लेक की बात कर रहा था मैं, वहाँ आ गया हूँ, ठीक है तो दिखाता हूँ, ठीक है छोटा सा ये ऐसे, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर है वो, तो जनरली देखो ऐसा दिखता है कुछ, इसको पहलूम पार्क बोलते हैं, लेक भी बोलते हैं, तो आपके ऊपर रहता है आपको जो यहाँ पे एक्टिविटी करनी है कर सकते हो,
बहुत सुंदर जगह है ये, और नॉर्थ बे के पास पहुँचते स्कारब्रो के में मिलता है ये। तो लेट मी शो यू एवरीथिंग एंड आई होप यू गाइस लाइक इट मैन। बस यू से देखा और उसके बाद ये देखा, है ना सुंदर। तो ये पहसलोम कैफ़े का क्या है, और कुछ नहीं, यहाँ बस तुम शांति से बैठो, इनसे मिलो, और ये क्यूटी से भी देखो और कुछ नहीं है, अब लेके बस चेयर्स लगे हुए हैं, आपको बैठना है, आराम से बैठो, व्यू एंजॉय करो। बहुत हद तक ना जैपनीज वाइब जो होती नहीं है वो दी गई है, देखो ना, और डक्स एंड ड्रैगन्स बहुत प्राइस हो चुका है, देखे रहे। तो इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको लेना है तो लो। How much that is? The softies? Huh? How much the softies? The with the plain cone? How much? Yeah. 250. Like, okay, can you give me one one plain cone? तो यहाँ भी बोलते हैं ऐसी और यह सॉफ्टी जो होती है ना वो 250 की बिक रही है। 250 मतलब 250 रुपये के ऐसे खा पी को पे करके देता हूँ। कैन आई पे बाय कार्ड? यस प्लीज। जी हाँ, 250 रुपये की आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं, दो बार दोहराऊँगा, 250 रुपये की आइसक्रीम है। चलता है यार, जब आप इतना इतना मेहनत करते हो तो कभी कभी इंजॉय करना चाहिए। देखो प्यारी जगह है ये। गिर गई आइसक्रीम, 250 रुपए की आइसक्रीम नीचे। यार शिट यार, 250 रुपए का कौन है मेरे पास अब। दूसरी बार खरीदने के पैसे नहीं है, बस ठीक है यार, लाइफ इज टू शॉर्ट टू रिग्रेट, सो जस्ट मूव ऑन। गिर गया तो गिर गया। एंट्री लिखा हुआ है, ठीक है तो जाएंगे। तो गाइस ये देखो जो बोटिंग चल रही है ना, ये मैं नहीं किया क्योंकि दो लोगों की ज़रूरत थी, और सिंगल बैठने से कोई भी रैंडम लोग किसी को बिठा दे रहे थे, और मैं बोला कि मुझे अकेले करना है क्योंकि मैं व्लॉग करूँगा, तो वो राज़ी नहीं हुए, वो बोले कि दो लोग को बैठना ज़रूरी है। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो कर लेंगे। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे घूम के आज चले आते बाकी जगह और व्लॉग बना लेते, आज व्लॉग में कवर करते सब चीज़। मानते हो कि नहीं, प्रॉपर कुंग फू पांडा वाली फीलिंग आ रही है। प्रॉपर देखो पूरा जापानीज चाइनीज स्टाइल है। तो गाइस ये मतलब पूरा जैसे बताया पहले, पूरा ऐसी पार्क है और आप बोट से पूरा घूम सकते हो, और एक ट्रेन वाली जगह और है यहाँ पे, पर मेरा भी वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो भी ऐसी है, वो आपको ट्रेन में पूरा राइड घुमाते हैं, और मतलब ट्रेन म्यूज़ियम टाइप का है कुछ वो, और वो एक्वेरियम वाला जो है उसके लिए भी शायद लेट हो गया हूँ मैं, तो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब उस पर घुमाऊँगा। बाकी हस्की देखोगे गाइस, ने अभी जस्ट कंफर्म किया कि जो एक्वेरियम है वो 3 बजे बंद हो जाता है, तो इस बार तो मेरा मुश्किल है, छोड़िए मेरे से, बट नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइम से आऊँ यहाँ पे और स्विमिंग और एक्वेरियम दोनों कर लूँ। तो मैं मानता हूँ कि तुम लोग नहीं मानोगे, ठीक है,
पर देखो मैं एक्चुअली बादलों में चल रहा हूँ। नीचे वो दिख रहा है बीच, और एक्चुअली बादलों के अंदर चल रहा हूँ मैं। वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस मेरा तो। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि स्कारब्रो आना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल आना चाहिए। चार पाउड में तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हो। तुम्हारा भाई फाइनली पहुँच गया। तो मैं पहुँच चुका हूँ स्कारब्रो कैसल, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। तो अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा कैसा है, क्या क्या है। और ये क्या सीक्रेट रास्ता है क्या, कुछ साइड से ना कुछ गया है, जाके देखता हूँ मैं कुछ दिख। अभी के लिए देख, चलो दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो इसकी टिकट 10-11 पाउंड की थी, तो जब मैं लेने गया तो मुझे मना कर दिया गया। उनका कहना था कि नहीं, इस अभी एंट्री बंद हो गई है क्योंकि बदली ज़्यादा हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो अंधेरा होने वाला है। और अभी हम बंद कर दे रहे हैं क्योंकि पता नहीं उनका कुछ मेंटेनेंस चालू, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। उफ, इतना चला कि ये लकीर आ गई, बताओ। और बहुत ऊपर हूँ अभी मैं, तो फिर उसी के बाजू से ना रास्ता जाता है, तो प्रॉपर वो जो पूरा पहाड़ है ना उसको बीच से काट के निकला हूँ मैं। और बहुत चला अभी मैं, और थोड़ा सा अंदर जाने दिए बोलो मेरे को। और क्या बोलते, मैं अंदर क्या वो जितने नहीं देख रहे थे, तो मैं अंदर चलना चालू कर दिया था अपना इंडियन स्टाइल, तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। और वो टिकट वाला भी नहीं था वहाँ पे, पता नहीं मेरे को लग रहा है कि ना ज़्यादा लोग अंदर आते नहीं है, बहुत कम लोग को देखा मैं जाते हुए या इवन देखते हुए। तो उन्होंने बोला कि अभी तो बंद हो गया है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तीन चीज़ें हो गई हैं, बोटिंग करनी है, नहाना है और कैसल देखना है। स्टार्टिंग में दिखाया था, याद है वो पार्क, और उसके बाजू से चल के मैं गया था। मैं बोल रहा था वो लाइट हाउस के पास क्या ही है, मैं वही, ये वही वाला एरिया है। मैं पूरा ऐसे इस बीच के अपोजिट तरफ में गया था, अपोजिट तरफ में, उधर गई पीछे तरफ में, वो था नॉर्थ, ये है साउथ। और वापस यहीं पे आ गया हूँ मैं, तो वो जो पहाड़ था उनके बीच से काट के निकला हूँ मैं। वो रास्ता दिखाना भूल गया मैं, अगर मेरे पास होगा ना वाले वीडियो, मतलब पिछले शॉट में एक रात जब मैं दिखाया ना स्कारब्रो तो कैसल, तो उसके अगर मैं वो कैप्चर किया होगा तो वहाँ पे ना मार्क कर दूँगा साइड में, यहाँ फ़ोटो डाल दूँगा ऐसे करके, कि ये रास्ता ना आपको सीधा यहाँ निकालता है। तो अगर दोस्तों के साथ आ रहे हो तो थोड़ा बहुत एडवेंचर ऐसे जंगल के बीच में, और ऐसा कुछ व्यू है। चलो ये बताना भूल गया था मैं, ये देखो स्पीड बोर्ड अगर आपको करनी है तो 7 पाउंड लगता है पर पर्सन, ऐसे लेके जाते हैं और उसके बाद फुल दौड़ाते हैं। यस हेलो। तो गाइस देखो स्पीड बोर्ड वाला बताया ना, तो मैं सोचा कि स्पीड बोर्ड कर लेता हूँ। तो ओह हैव यू ग्रेट, I'm just getting started, so I'm just started traveling, so hope I'll see you all like you. Yeah. तो स्पीड बोट का वेट कर रहा था मैं, और स्पीड बोट अभी गई है, और मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। इनको एटलीस्ट 5% चाहिए ताकि स्पीड बोट जाए, और एंड आई एग्री विद दैम। तो 7 पाउंड चार्जेस है, और अभी जस्ट निकली है वो मेरे आते, तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा और भी लोगों के आने का, उसके बाद ही हो पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ वेट करूँ कि जाऊँ, वेट करूँ कि जाऊँ, तो देख रहा हूँ 10-15 मिनट वेट करता हूँ मैं। अब इन केस द अदर पीपल्स वुड कम एंड वी समहाउ मैनेज टू ऑन बोर्ड लाइक ऑन टाइम, सो मैं ले कर लूँगा स्पीड बोटिंग, अदरवाइज ये भी नेक्स्ट टाइम जाएगा एक्वेरियम के साथ। बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट टाइम होने वाली मुझे पता है, बट एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है। Enjoy, guys. Plan worked. I somehow managed to get in there. और लोग भी आ गए, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, और on time. On time to the handrails provided. If at any point you are unhappy with the ride, please get the attention of the driver behind you.
7 पाउंड लगते हैं, दे दो मजाक नहीं करो, इतना मजा आया ना। और मौसम इतना अच्छा था, बहुत मजा आया, मजा आ गया। थैंक यू सर, या आई एंजॉयड। That was a thanks, man. Whoa. Guys, जिसको भी मौका मिलता है ना ये ट्राई जरूर करना चाहिए यार। 7 पाउंड क्या है यार, 1 घंटे की दिहाड़ी और क्या। लेकिन मजा इतना आया ना, कांट एक्सप्लेन, बहुत मजा आया। ये वाला नहीं है, ये वाला मारियो वाला, ये वाला खेलने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो देखते क्या होता है। ठीक है, ये मैं कॉइन कहाँ से डालना है, समझ ही नहीं आ रहा है कॉइन डालना कहाँ से। मैम वैसे ना पुट द कॉइन, ये लेडी बहुत अच्छी है, ये मुझे बता रही है। ओ या सो ओके थैंक यू। तो ये है, अब मैं इसको थोड़ा आगे ये में दबाया, अच्छा कुछ भी नहीं उठा ना। रिस्पॉन्ड बर्बाद, एक और तो बनता है ना। ये जो एड्रिनल रश है ना, ये ही ना नुकसान करवाता है, पर ठीक है यार, इन्जॉय करना है, अभी कभी चलता है, कौन सा ऐसे खेलते रहते हैं हर बार। तो देखते हैं अभी कितना कॉइन निकलेगा, तो होना भी तो चाहिए, ऐसा लग रहा है जितना कमाया हूँ सब उड़ा दूंगा इस गेम में, पागल हो गया हूँ मैं। क्या बोलते हो, 20-20 के डालता हूँ, दो बार खेलेंगे और फिर उसके घर चलेंगे। ठीक है, हो गया, ज़्यादा दिन नहीं खेलेंगे, तो फालतू पैसे बहाने नहीं है यहाँ पे। चलो एक बार लिया, वीडियो ऑन करना भूल गया, पर ना मैं ना ये काले वाला जो नहीं है, इसमें बकायदा एकदम परफेक्ट डाला था, वो उठा ही नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, चिड़खे हुए हैं। घर से आ गया मैं खेल के, मैं ना ऐसे थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरे 1 पाउंड खेल गया, पता है 1 पाउंड, ऐसे मेरे पास पैसे आते नहीं हैं, और थोड़ा थोड़ा करते हुए 1 पाउंड खेल गया, वो ज़्यादा हो गया। अगली बार ना ध्यान रखूँगा, ऐसे नहीं खेलना है कुछ भी हो जाए। मैं भी ना कभी कभी ज़्यादा ही कर जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो देखो अभी हम जा रहे हैं स्कारबोर रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टेशन है, और ज़्यादा नहीं 5-15 मिनट लगते हैं, और आती रहती है। ठीक है, तो हम जल्दी चढ़ के मतलब पहुंच जाएंगे। यहाँ का फेमस आइसक्रीम वाला है, और तो ये यहाँ का फेमस आइसक्रीम वाला, तो हर कोई यहाँ पे आइसक्रीम खाता रहता है, तो इन केस अगर मतलब आइसक्रीम खाने के लिए आता है, ये बहुत फेमस है यहाँ, जनरली लोग उसी के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वो भी ऐसे वैसे 1-2 जन नहीं रहते हैं। तो इन केस इफ़ यू वांट टू ट्राई, जस्ट गो फॉर दिस, बिकॉज मैं ऑलरेडी फुल हूँ और आइसक्रीम खा चुका हूँ। और ये देखो, आई बिलीव इट्स ब्रिटिश बुलडॉग, इज दैट अ ब्रिटिश बुलडॉग? यस। तो गाइस इतना सब कुछ करने के बाद थक गया था मैं, मैं बोला कि कुछ तो करना बाकी है, कुछ तो बोला खाना पीना बाकी है, तो मैं बोला खाना तो खा लिया था फिश एंड चिप्स, तो उसके बाद भूख नहीं लगी थी बिल्कुल, मैं बोला पीते पीते चलते हैं, ऐसे खाली खाली कौन जाएगा। तो गेस करो वो रास्ते में क्या दिख गया, गेस करो, पोवा। तो मेरा तो फेवरेट मैंगो ले लिया मैं, और ये करना भी तो जमता ही था, जरूरी था, तो वो कर लिया हूँ मैं, और टेस्ट करके बता दो कैसा है। अच्छा पहुँच गया मैं बस स्टेशन, ये इनका ट्रेन स्टेशन है। ठीक है, ध्यान से याद कर लो, इसी ये जो थिएटर नहीं है, ठीक है, यहीं पे बस आती है, यहीं से उतर जाना है,
आगे नहीं जाना है, आगे दो तीन स्टॉप है, जैसे इनका वो बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, एक वाटर पार्क है तो वहाँ तक जाती है वो, ये तो यहाँ वहाँ तक ये थिएटर के पास उतर जाना है। और इसी के सामने ये जो बस स्टॉप है इसी में लिखा हुआ है लीड्स कोस्ट लाइन ना टू द लीड्स, तो हमें वो वाली बस लेनी है। क्या हुआ था मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, मैं भाग के गया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये वाली नहीं है, वो जो लेडी थी वो बता रही थी कि यही बस वापस आती है, तो वो अभी बैठ जा रहे हैं ताकि उनको ईजी हो। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, तो उन्होंने डे सेवर लिया हुआ था तो उनको पूरे दिन का है और हमारे पास मतलब मुझे लेना पड़ता, तो शायद इसलिए उनको वो चार्ज नहीं करेगा बट मेरे को चार्ज करता था तो मेरे को £4 लग जाता। तो इसीलिए एक बस टिकट लो, मतलब अभी बस टिकट लूँगा और बैठ जाऊँगा और अब सीधा लीड्स जाया जाएगा। तो ऐसे लिखा होता है, देखो लिखा हुआ है कोस्ट लाइनर टू यॉर्क एंड लीड्स और प्रॉपर टाइमिंग यहाँ दी हुई है। हाँ तो ये देखो, तो प्रॉपर टाइमिंग दी है 11, 12, 1, 2, 5, 4 ऐसे सबका टाइमिंग है। तो अभी मैं बैठूँगा 5:15 को, ठीक है, तो अभी मैं इसमें बैठने वाला हूँ। अभी टाइम हो गया है 4:22, तो मोस्ट प्रोबेबली फाइनली मैं बस आ गई थी टाइम पे, बैठ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे फ़ोन की बैटरी बस ख़त्म होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि ट्रिप जाते जाते मैं एंड करूँ। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड मैं इसके बाद जो फ़ोटोज़ और शॉर्ट्स लिया हूँ उसका एक कंबाइन भी बनाऊँगा, तो एज अ क्लोजिंग तो उसको देख के जाना। चलो बाय, एंड कल मैं जा रहा हूँ बिट भी, तो उसका ब्लॉग एक दो दिन बाद आएगा इस ब्लॉग के, तो उसका भी पूरा स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि कहाँ कहाँ घुमाऊँ, क्या क्या घूम सकते हो, कैसा क्या है, और वो भी अनप्लैंड ही जाऊँगा, मतलब वैसे कुछ प्लान नहीं है वहाँ पे क्या करूँगा, तो देखना। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड कीप सपोर्टिंग, बाय।